सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए। मुझे मार्केट जाना था सामान लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। तो अभी निकलते हैं और आपको बताऊँगी कि मैं क्या लेने के लिए जा रही हूँ। तो आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक। सो दूसरी बार फिर से हम आगे आए और आगे भी ट्रैफिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा आगे। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ मेट्रो। ये है मेट्रो के हमारी सीढ़ियाँ जो कि चलती हैं ऑटोमेटिकली। तो फाइनली अब मैं मेट्रो से होते हुए जाऊँगी। मेट्रो ले लिया मैंने, चलते हैं आगे टोकन लेने के लिए। सो गाइस, मैं जा रही हूँ ऊपर टोकन लेके सामान लेने, आई मीन मेट्रो लेने के लिए। और ये हम मुझे वहीं पर कुछ काम है, तो काम क्या है आपको बातें बताएंगे बने रही है ब्लॉग में। सो गाइस, फाइनली मेरा स्टेशन आ चुका है नीचे उतर के बाद। तो मार्केट में 1 मिनट लगेगा, तो पैदल पैदल जाएंगे, रिक्शा नहीं लेंगे हम लोग। तो चलिए मेट्रो से हम लोग कर लेते हैं एग्जिट। सो गाइस, यहाँ पे मस्ती कर लेते हैं, ऐसे टूटते हुए आने अभी स्लाइड कर लेते। सो गाइस, मैं लेने आई थी ये वाली गाड़ी, निक्की के कोई दोस्त है, उन्होंने मंगवाई थी रिमोट कंट्रोल कार, तो इसको परचेज़ करने के लिए मैं आई हुई थी। तो बहुत ही प्यारी लगी मुझे गाड़ी, फाइनली मैंने गाड़ी ले ली है। तो इसको बैग ऑटो में रख के मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि मेट्रो में अलाउड नहीं था। क्योंकि मेट्रो में क्या होता है कि रिमोट वाले इसमें मना कर देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑटो से घर, और घर जाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो अभी कहीं बनी हुई हनुमान मंदिर आगे, मैं आगे करूँ बाग। तो ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी मूर्ति हनुमान जी की, तो मैं पूरे दुकानी को नहीं ऑटो करूँ बाहर करूँ तो चोरी होने का डर है, क्योंकि ये है हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी। तो घर पे लेके रख के पे बना लेंगे, घर हो रहा है हमारे यहाँ पे जो अच्छा बन रहा है। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई थी घर ये लेके गाड़ी पैक करवा के। तो अब बस इसको कुरियर करवाना है, अपना मैं अभी छोटे दिवाली के घर पर ही है, क्योंकि इसको वहाँ छोड़ के गई थी। तो अभी वो आ रहा है, उठ गया था, रोने लग गया था। और ये भाभी देख रहे हैं बिग बॉस OTT, और मैं देखने जा रही हूँ अलविश वाला, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। इस पर देखते हैं, लेते लेते टाइम पास करते हैं हम लोग। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, भाई भाभी के आते ही ब्लॉग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया कबीर, और ये लेके आया रूअफ़ज़ा। हेलो, ओ मेरा बेटा, हाँ पीना है, ये मेरा बच्चा बन रहा है, बच्चा बन रहा है, देखो यहाँ पे आके। तो मैंने आते ही लोगों को बोला मम्मा गाड़ी का है, पर ये किसी और की है, हमारी नहीं। गाइस, कबीर कर रहा पापा की हेड मसाज, मॉम से थर्मोकोल से हेड मसाज हो रही भाई की। अभी नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, नहीं लड़ते गंदी बात, लड़ शीत गंदी बात, ना मैं नहीं, ना मैं नहीं, ना मैं नहीं, आप अच्छे बच्चे हो ना। सो हेलो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7 और अंधेरा पड़ चुका है, और अभी भाभी और बना रहे हैं खाना। कहाँ चले झोला टांग के, स्कूल चले हम। तो हम बना रहे हैं दाल और चावल और साथ में आलू की सब्जी। हाँ ओके, आप तो गिर गए। सो गाइस, अभी पानी आने वाला है, मोटर चला दी है, तो पूरा गीला गीला करेंगे यहाँ पे। अरे मेरा फोन गिर गया गाइस, शिट। सो गाइस, ये आ गया बड़ा भाई। हेलो, नहीं ना है, खाना डालो। भाभी ने तो पहले ही बोला था। तो गाइस, नवें कबीर खिला रहे अपने बड़े पापा को कागज। मैं एक्टिंग करी खाने की। क्या चाहिए बेटा? देखो पानी पिला, चिंता भी है, कागज भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है। और खिला दे, और खिला दे बेटा। हाँ बेटा, दे रही हूँ, दे रही हूँ। नेनू भाई, उसकी जान सुख जाएगी।
बाय कबीर। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं अब तरबूज। कोई बात नहीं, बीस को छोड़ो, खा लो आप तो। और गाइस इधर हम करते हैं ब्लॉग के पेरेंट, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल जाके अच्छा पार्सल करवा के आएंगे फ्रिज को, इसको पता है नहीं वरना पीछे पड़ जाएगा। बाय ना मैं मम्मा। हां मैं ठीक है, हाँ पक्का पक्का फ्रिज ठीक है।